काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BHU IIT की छात्रा से हुए गैंगरेप और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उत्पीड़न की घटना के विरोध में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, IYW यानी इंकलाबी नौजवान सभा और भाकपा माले ने राजधानी लखनऊ स्थित परिवर्तन चौक पर संयुक्त प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने BHU IIT में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया है, साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है, जिसको लेकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा कि IIT BHU की छात्रा के साथ गैंगरेप हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पीड़िता ने खुद एक आरोपी की पहचान की है, इसके बावजूद वह खुलेआम घूम रहा है। वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए धरना दे रहे छात्र छात्राओं पर पुलिस जबरन फर्जी मुकदमे लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ने एक दलित छात्र विवेक कुमार पर हमला किया है, लेकिन चीफ प्रॉक्टर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि छात्र के खिलाफ ही फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसको लेकर वह राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रही ISA की छात्रा क्रांति ने कहा कि उनकी मांग है कि IIT BHU में छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं ISA की सुकीर्ति ने कहा कि BHU में जिन छात्र छात्राओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा वह प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके अलावा APWA की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा अधिकारी ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह पर FIR दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और सभी विश्वविद्यालयों में GS कैश या SC/ST सेल लागू किया जाए। यूपी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला पे हिंसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांगे ये हैं, जो IT कॉलेज है BHU में और वहाँ पे जो पीड़िता हैं जिनका रेप हुआ है उनको न्याय मिले, और वहाँ पे जो हम लोगों के साथी हैं ISA और अन्य संगठन छात्र संगठन, वो वहाँ पे उन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ वहाँ के ABBP छात्र संगठन और पुलिस जो है वहाँ की और प्रॉक्टर वहाँ का, ऐसा वहाँ पे उन लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है, उनको जाति सूचक गालियाँ दी जा रही हैं, उनके ऊपर गलत FIR लगाया गया है कि उन्होंने ही उत्पीड़िता को जो न्याय दिलाना है उसको अलग वे में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जो लोग वहाँ पे उत्पीड़िता को न्याय दिला रहे हैं उनको ही अलग उनको बताया जा रहा है कि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इलाहाबाद के जो हमारे साथी हैं विवेक जी, उनका उन पे जो लाठीचार्ज की है वहाँ के प्रॉक्टर ने, जो एक बहुत शर्मनाक घटना है, उन हमारे साथी को न्याय मिले। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और IIT विश्वविद्यालय में जो घटना हुई है आप देखेंगे कि वहाँ पे उस घटना के बाद मुझे लगता है कि ये खुद में इतनी शर्मनाक घटना है, ऐसी घटनाओं के बाद मुझे लगता है कि जब भी इस तरीके की घटना समाज में होती है तो उसके बाद एक खौफ पैदा होता है, लोगों को लगता है कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को भेजेंगे तो कहीं कुछ ऐसा उनके साथ ना हो जाए। मुझे लगता है इसके विपरीत होना चाहिए, जब जब ऐसी घटनाएं हो तब तब जो आरोपी है उसके ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई हो, जबकि उस महिला ने बता दिया है कि कौन है, किस कौन इसके पीछे है, क्या है, उसको न्याय दिलाने के खिलाफ के विपरीत सब लोग इस उसमें लगे हैं कि कैसे भी ये जो घटना है वो दब जाए। कितनी शर्मनाक बात है कि जो सरकार कहती है महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पढ़ाएंगे तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब तो बचाने की ही बारी है। इस जो आज हम लोग यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं एक संदेश देने के लिए कि जब जब ऐसी घटनाएं होंगी तब तब हम लोग आएंगे और उत्पीड़ितों के लिए लड़ेंगे। हमने प्रदर्शन किया इसलिए कि BHU में IIT के एक छात्रा के साथ गैंग रेप होता है
और महीनों बीत जाने के बावजूद भी रेपिस्ट अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और बल्कि जो छात्र छात्राएं रेपिस्ट को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस पड़ी हुई है उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ जब बेटियां पढ़ने के लिए गई अपने घर छोड़ करके BHU जैसे विश्वविद्यालय में, वहाँ बेटी की इज्जत नहीं बचती है, उनके ऊपर हमला होता है, उनके साथ गैंगरेप होता है, और जो गैंगरेप करते हैं वो सत्ता के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं, और जो गिरफ्तारी के मांग को लेकर लड़ रहे हैं पुलिस उनको पकड़ के बंद कर रही है। तो इसलिए ये जो एक बड़ी घटना है, इस घटना के खिलाफ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो एक हमारे आयशा के दलित छात्र नेता हैं उनको प्रैक्टर द्वारा इसलिए पीटे जाते हैं क्योंकि वो छात्रों के ऊपर फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे थे, वो छात्रों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देने की मांग कर रहे थे, और इसलिए प्रैक्टर द्वारा उनको अनुसूचित जाति सूचक गाली देते हुए उनके ऊपर जो है बेरहमी से हमला किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है। तो ये प्रदेश दलितों के लिए महिलाओं के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। BHU और इलाहाबाद जैसे शिक्षण संस्थाओं में अगर महिलाएं और छात्र दलित छात्र अगर सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में कहीं भी सुरक्षा नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ लड़ने के लिए आज हमारा राष्ट्रव्यापी आह्वान था APOBA RYA आयशा के तरफ से, और उसी आह्वान के तरफ के तहत हमने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा।